नमस्कार, आप देख रहे हैं Lallantop.com और मैं हूं निखिल। अरुण जेटली नहीं रहे, लंबी बीमारी के बाद उनके जाने की खबर आई है। जेटली के जाने से बीजेपी ने अपने थिंक टैंक का एक अहम हिस्सा खोया है, मगर खोने वालों में बस बीजेपी नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश आज जिस मकाम पर हैं, उसकी सड़क बनाने में कुछ अहम पत्थर जेटली ने भी लगाए थे। ये 2005 के बिहार का किस्सा है। जेटली तब बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे, साथ में उनके पास जिम्मेदारी थी बिहार की। उन दिनों नीतीश कुमार को जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का चेहरा बनाने के पीछे जेटली का बड़ा हाथ था। 2005 में लालू राबड़ी के मुकाबले में एनडीए को मिली जीत के एक अहम हिस्से का श्रेय भी नीतीश और जेटली की पार्टनरशिप को बराबर से जाता है। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू हार गए, मगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। लालू को 243 में से 75 सीटें मिली थी, बीजेपी और जेडीयू मिलाकर बस 92 तक पहुंच पाए थे। ये जीत तो थी, मगर सरकार बनाने के लिहाज से अभी एनडीए काफी दूर था। नीतीश ने जेटली से कहा कि हमने गठबंधन तो कर लिया था, लेकिन इस पार्टनरशिप को एक चेहरा नहीं दिया था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान न करने के कारण ही हम बहुमत नहीं ला पाए। नीतीश ने इसका यह जवाब दिया कि बिहार की जनता लालू राबड़ी को हटाना तो चाहती है, मगर उनकी जगह कौन लेगा ये नहीं बताए जाने के कारण ठीक से निर्णय नहीं ले पा रही है। जेटली इस तरह से सहमत हुए, मगर उस समय जेटली को ज्यादा जरूरी ये लग रहा था कि सरकार बना ली जाए, उसके बाद चेहरे पर बात होती रहेगी। वो किसी तरह नीतीश के लिए बहुमत जुटाना चाह रहे थे, बहुत कोशिश हुई, मगर आखिरकार केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने बिहार विधानसभा भंग कर दी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके पीछे लालू का बड़ा हाथ था, ऐसा कहा जाता है। इस फैसले की मुखालफत करते हुए एनडीए सुप्रीम कोर्ट भी गई, मगर नीतीश दिल ही दिल में चाहते थे कि चुनाव फिर से हो जाए। वो स्पष्ट बहुमत चाहते थे और नवंबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। इस बार नीतीश अड़े थे, उन्होंने बीजेपी तक ये बात पहुंचाई कि अगर बहुमत चाहिए तो मुझे मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाओ। जेटली इस बात से सहमत थे, उन्हें महसूस हो गया था कि लालू राबड़ी के अगेंस्ट एक फेस होना चाहिए। जिस तरह वहां लालू फेस है, राबड़ी फेस है, उसी तरह यहां नीतीश होने चाहिए। इसका एक बड़ा कारण यह था कि उस समय बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के मुकाबले का कोई लोकप्रिय चेहरा था नहीं। नीतीश का संदेशा जेटली ने बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाया। नीतीश को सीएम दावेदार बनाने को लेकर बीजेपी का बड़ा सेक्शन तैयार नहीं था। ऐसे में जेटली ने नीतीश के नाम पर सहमति बनाने में बहुत मेहनत की। वाजपेयी और प्रमोद महाजन दोनों जेटली की बात से सहमत थे और इस तरह जब 2005 के दूसरे विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने प्रचार शुरू किया तो वोट नीतीश की लीडरशिप में मांगा गया। अब नीतीश के नाम के आधिकारिक ऐलान की बात थी और ये किस्सा भी बड़ा मजेदार है। भागलपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की चुनावी रैली थी। सिलेक्शन में उनकी ये पहली रैली होने वाली थी और यहीं उन्हें आधिकारिक रूप से ऐलान करना था कि अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। वाजपेयी की तब उम्र हो गई थी और याददाश्त थोड़ी कमजोर। ये तय हुआ कि रैली के दौरान वाजपेयी के एक असिस्टेंट अश्विनी वैष्णव उन्हें एक पर्चे में लिखकर ये याद दिला देंगे कि नीतीश के नाम का ऐलान होना है। अब अश्विनी ने तो पर्चा दिया, मगर वाजपेयी बिना नीतीश के नाम का ऐलान किए पोडियम से वापस आ गए। अब क्या हो, एक बार फिर जेटली ने प्लानिंग की। अगले दिन सुशील मोदी ने नीतीश के नाम का ऐलान कर दिया, मगर अब एक नई दिक्कत खड़ी हुई। खुद जेडीयू के अंदर से नीतीश की उम्मीदवारी का विरोध हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस, सीनियर नेता जेडीयू के, उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी ने नीतीश को उम्मीदवार बनाया होगा, लेकिन जेडीयू की रजामंदी इस बात में ली नहीं गई। अरुण जेटली को एक बार फिर सामने आया, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से मुलाकात की, उन्हें समझाया, उन्हें राजी किया और उसके अगले दिन जॉर्ज फर्नांडिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नीतीश के नाम पर जेडीयू की भी मोहर लगाई और इस तरह नीतीश की राय हुई तैयार। बीजेपी और जेडीयू दोनों की पॉलिटिक्स के हित कई जगह टकराते, ऐसे में भी दोनों को एक ट्रैक पर साथ रखने में जेटली का बड़ा हाथ होता था। कहते हैं कि नीतीश बीजेपी में दो से ही डील करते थे, बिहार में सुशील कुमार मोदी और दिल्ली में अरुण जेटली। जब नीतीश पर बिहार में बीजेपी पर हावी हो जाने के आरोप लगने लगे और ये कहा जाने लगा कि वो अपने आगे बीजेपी को कुछ समझते ही नहीं, तब भी जेटली नीतीश के साथ खड़े रहे। बीजेपी के कई नेताओं की शिकायतों के बावजूद जेटली ने नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर वो मौका भी आया 2010 में, जब कोसी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नरेंद्र मोदी के दिए 5 करोड़ की सहायता राशि और इसके बाद हुई पॉलिटिक्स पर गठबंधन टूटने की नौबत आ गई। मोदी सालों बाद पहली बार बिहार जा रहे थे, पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। पार्टनर होने के नाते नीतीश को बीजेपी नेताओं के लिए एक भोज देना था, जैसे कि सौजन्यवश होता ही है। मगर फिर एक सुबह नीतीश ने दो अखबारों में छापा एक विज्ञापन देख लिया, पूरे पन्ने का ऐड, जिसमें 5 करोड़ रुपए की मदद के लिए
नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा गया था, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक पुरानी तस्वीर के साथ। गुजरात दंगों के बाद नीतीश किसी भी तरह से मोदी के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते थे, ये बात पूरी बीजेपी जानती थी। नीतीश समझ गए कि यह विज्ञापन उन्हें चिढ़ाने के लिए छपवाया गया है। बिहार को दी गई आर्थिक मदद का प्रचार करके नीतीश को छोटा दिखाने की कोशिश हुई है। फिर ये बात भी थी कि बिना नीतीश के जानकारी के ये ऐड अखबारों में पहुंचा कैसे, जहां पैसे की बात हो और वहां साथ में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी हो, बिना सरकारी अनुमति के ये हो नहीं सकता था। जाहिर है नीतीश को बायपास किया गया था। बिफरे हुए नीतीश ने भोज न कराने का फैसला लिया। भोज के शामियाने तन चुके थे मगर उन्हें उतरवा लिया गया। नीतीश ने ऐलान कर दिया कि मोदी का दिया 5 करोड़ का चेक लौटा दिया गया है, गठबंधन बस टूटा ही समझिए। लेकिन तभी जेटली ढाल बने फिर एक बार। वो क्रूज पर छुट्टियां मनाने गए थे परिवार के साथ, मगर जब इस बात की खबर मिली तो जुट गए अपने काम में। जेटली की मेहनत काम आई और गठबंधन, जैसा कि हम जानते ही हैं, बच गया। नीतीश की कहानी में ऐसे कई मौकों पर जेटली मिलते हैं। जेटली के जाने से यकीनन नीतीश ने अपना एक दोस्त खोया है। अरुण जेटली की ज़िंदगी के और भी कई किस्से हैं जिनको हम अलग अलग स्टोरीज़ और वीडियोस की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेज या lallantop.com का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आ सकते हैं। शुक्रिया।